हेलो फ्रेंड्स, बीएससी के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स का 10 से 15 हज़ार का पैकेज लगता है और उसके 6 महीने और 1 साल बाद वो सोचते हैं हम एमएससी कर सकते थे, अच्छी जॉब ले सकते थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएससी के 3 साल को कैसे प्लान करें और कैसे आप अपना ये गोल अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। इन सभी फील्ड से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उन वीडियोस में आपको एम्प्लॉयमेंट एरियाज, जॉब प्रोफाइल, हायर स्टडी ऑप्शन एंड रिसर्च से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। बीएससी के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं वो है सीजीएल, सीएचएसएल। CHSL आफ्टर 12th होता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं UPSC, स्टेट PSC, बैंक, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्टल सर्विस एंड LIC। इन सभी एग्जाम्स में आपको मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। BSc के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स MSc को चूज करते हैं। MSc आप चाहे तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इसमें एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर होता है, या फिर आप जैम का एग्ज़ाम क्लियर करके IIT, IISc से MSc, MSc PhD ड्यूअल डिग्री, MSc PhD इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले सकते हैं। MSc करने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप PhD करके सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट पर रिक्रूट हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स BHEL, BEL जैसे PSUs में जॉब लेना चाहते हैं वो MSc के बाद गेट का एग्जाम क्लियर करके PSUs में रिक्रूट हो सकते हैं। इसमें जो PSUs आपको रिक्रूट करती हैं वो है BHEL, BEL, IOCL, NHPG एंड अगर आप DRDO में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो भी आप गेट के एग्जाम के थ्रू साइंटिस्ट बन सकते हैं। MSc के बाद आप रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो आप MSc करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको पर्टिकुलर फील्ड की पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियोस जो पर्टिकुलर BSc, बॉटनी, जूलॉजी से रिलेटेड बनी हुई है उनमें मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो CAT, ZED, XLRI, MAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स में आपसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद आपका GD एंड PI राउंड होता है और उसके बाद आपका IIT, IIM, FMS, MDI, नीति, XLRI जैसे टॉप 20 स्कूल्स यानी कि बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन होता है और यहाँ से MBA करने के बाद आपका पैकेज 10 से 12 लाख रुपए का लग सकता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या BSc रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8383031826 पर। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, करियर रिलेटेड वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।